नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिस शिक्षा को महाराज जी की हमने शामिल किया है, ये शिक्षा जहाँ तक भी आज का हमारा ये क्रमांक पहुँच रहा है, जो जो दर्शक आज के इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, इस क्रमांक का दर्शन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक चमत्कार की तरह सिद्ध होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो छोटी छोटी परेशानियों में भी घुटने टेक देते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा अपने मुकाम को पाने से पहले ही हार मान जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मुकाम तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं। तो महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत एक वाक्य मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी हार होना निश्चित है, आप ऐसी परिस्थितियों में भी निकलकर अपने आप को सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। आइए जान लेते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त जीवन में कष्ट झेल रहा होता है, बड़ी से बड़ी परेशानियों का अनुभव कर रहा होता है, तो ऐसे समय में उसे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिस भी इष्ट पर उसका भरोसा है, जिस भी इष्ट में उसकी आस्था है, उसकी शक्तियों पर बिल्कुल भी संशय मत करिए। अर्थात जिस किसी पर भी आपकी आस्था बनी हुई है, चाहे आप प्रभु श्री हनुमान जी को अपना अनन्य गुरु मानते हों, चाहे आप प्रभु श्री राम जी की भक्ति करते हों, या अन्यत्र किसी भी देवी देवता में आपकी घनिष्ठ आस्था है, को उनकी जो अलौकिक शक्तियां हैं उस पर विश्वास करना परम आवश्यक है। जब तक आप अपने इष्ट पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इष्ट की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में प्रबल नहीं बनेंगे, तो आप अपने जीवन में हमेशा हार का अनुभव ही कर पाएंगे। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि बहुत जल्दी हार मान लेना, परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देने से भी आपके जीवन में आप बार बार विफल होते हो। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मनुष्य जो है वो ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्कृष्ट कृति है। इसीलिए मनुष्य को यदि विशिष्ट बनाया है तो उसे उतनी बुद्धिमत्ता भी ईश्वर ने प्रदान की है। मनुष्य को बुद्धि देने के लिए ईश्वर ने कई सारी चीज़ें इसमें निमित्त की हैं। वो क्या है कि मनुष्य विशिष्ट कृति इसलिए भी है क्योंकि वह सोच विचार कर सकता है, वह अपनी बुद्धिमता से निर्णय ले सकता है। केवल मनुष्य के अलावा अन्यत्र किसी जीव में निर्णय लेने की वो शक्ति नहीं होती, बुद्धिमता नहीं होती, तो इसीलिए वो पूरी तरह से अज्ञान में अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी है, विचार करने की शक्ति दी है, विचार करके निर्णय लेने की शक्ति दी है, तो इसीलिए हम लोग क्यों इतनी शीघ्रता से हार मान लेते हैं। कई बार नियति हमें हराने के लिए परिस्थितियां प्रदान नहीं करती, कई बार हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। जब जीवन में परीक्षाएं चल रही होती हैं तो उन परीक्षाओं का सामना करने से अपने आप ही हम विजित हो जाते हैं। कई बार ईश्वर जीवन में इसलिए भी कष्ट देते हैं क्योंकि वो आपको और ज़्यादा सशक्त बनाना चाहते हैं, और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत शीघ्रता से हार मान लेने पर हम पहले ही परीक्षा देने से पूर्व ही निर्णय कर लेते हैं कि हम जीवन में हार मान चुके हैं। और ऐसा बहुत सारे अनन्य भक्तों के जीवन में होता है। जो लोग श्री महाराज जी पर आस्था रखते हैं, अब हम उस बिंदु पर बात करेंगे जिससे आपके लिए ये क्रमांक बहुत चमत्कारिक बन जाएगा। कैसे? जो भी लोग महाराज जी पर आस्था करते हैं, जो लोग महाराज जी को अपने अनन्य गुरु मानते हैं, उनके लिए एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये बात पूर्णतः सत्य है कि महाराज जी की जो भक्ति है उसमें भी आपकी परीक्षाएं होती हैं। तो इसीलिए जब भी जीवन में थोड़ा कठिन समय आता है, जब भी जीवन में कोई बड़ी से बड़ी परेशानी भी आती है, तो उसे आप एक परीक्षा की तरह ही देखें। और ऐसी आज तक कोई परीक्षा इस धरा पर किसी की नहीं हुई जिसकी कोई सीमितता ना हो। तो इसलिए हर चीज़ जीवन में सीमित होती है, तो ये परीक्षा अर्थात ये कठिन दौर भी सीमित समय के लिए हमारे जीवन में हमें दिया गया है। तो इसीलिए शीघ्रता से हार मानने की बजाय डटकर सामना करना सीखिए। जितनी भी ईश्वर की तरफ से आपको श्रद्धा दी गई है,
क्योंकि श्रद्धा भी ईश्वर ही प्रदान करते हैं। जो भक्ति हम ईश्वर की करते हैं वो भक्ति भी ईश्वर ही हमें प्रदान करते हैं। उसी भक्ति के अनुरूप हम ईश्वर को समर्पित भाव से उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पर आस्था रखते हैं। हमेशा हमेशा ईश्वर से प्रगाढ़ भक्ति ही मांगनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भक्ति में प्रगाढ़ता होगी उतना ज़्यादा विश्वास घनिष्ठ होगा, और जितना ज़्यादा विश्वास घनिष्ठ होगा ऐसा व्यक्ति हमेशा अड़िग रहेगा। यानी कि आपके जीवन में कठिन से कठिन दौर भी आ जाए तब भी आप हार नहीं मानेंगे, ये आपका हृदय बहुत ही स्वाभाविक तौर पर इस बात को ग्रहण कर लेगा। और जब आपका चित्त और आपके हृदय की शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी, इतनी अड़िग हो जाएगी, तो आपके लिए हार मानना ही नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी सी बड़ी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ईश्वर के और भी ज़्यादा करीब हो जाता है। तो आप में से कौन ये नहीं चाहेगा कि महाराज जी की घनिष्ठ भक्ति उसे मिले, महाराज जी की वो अमोघ भक्ति का आशीर्वाद हमें मिले। और ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब जब आप परीक्षाएं देंगे और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे तब तब महाराज जी की ओर आपका आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता चले जाएगा। महाराज जी की जो इच्छाएं हैं, महाराज जी की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, वो तभी समझ में आ पाएंगी जब आप महाराज जी के और ज़्यादा करीब हो जाओगे। तो इसीलिए उस उत्कृष्ट भक्ति को प्राप्त करने के लिए परीक्षाएं तो देनी होंगी, और हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आना मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बहुत लाभकारी है। जब जब जीवन में परेशानी आएगी, जब जब जीवन में परीक्षाएं होंगी, तब तब आपको जीवन जीने की कला समझ में आएगी। क्योंकि ऐसा जीवन किसी काम का नहीं जो बिल्कुल सरल और सुगमता से चल रहा हो। जब तक व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आते तब तक वो व्यक्ति जीवन में कभी भी अड़िग नहीं बन पाता। और अड़िगता यदि जीवन में चाहते हैं, अर्थात जीवन को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से जीना चाहते हैं, तो उसके लिए परीक्षाओं से बिल्कुल मत घबराइए। जब जब आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं तब तब आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, अपने सद्गुरु का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपकी परीक्षा लेने के लिए निर्णय लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति की परीक्षाएं भी नहीं होंगी, वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जिन्हें जीवन में आगे सफल बनना है, जिनका जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य है। ऐसे व्यक्तियों को तो परीक्षाएं देनी ही होती हैं। सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों की परीक्षाएं भी बहुत सीमित होती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से ईश्वर को और सद्गुरु को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ होती हैं, ऐसे अनन्य भक्त को तो ईश्वर हमेशा परीक्षा स्वरूप में कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति में उलझाए रखते हैं। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा, सोना तभी ज़्यादा चमक देता है जब वो आग में उतना ज़्यादा तपता है। तो इसीलिए सोना बनना है, मूल्यवान बनना है, तो उसके लिए परीक्षाओं से तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। जीवन में अगर दमकना है, जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित होना है, तो उसके लिए इन परीक्षाओं की आग रूपी ताप में आपको जलना तो होगा ही। लेकिन इस बात की पूर्ण तरह से इस बात को आप सत्य मानिएगा कि जीवन में जब आप उभर कर आएंगे, जब इन परीक्षाओं से निकल कर जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर आपको ये समाज पूजित करेगा, जहां पर इस समाज में आपका उदाहरण दिया जाएगा, तो उसके लिए सामान्य जीवन की चाह ना रखते हुए विशिष्ट जीवन की चाह रखिए। हमेशा जीवन में ज़्यादा की खोज में निकलिए, तभी जाकर आपका जीवन बहुत ज़्यादा सार्थक होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो, इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।